OMG भाई साहब, ऊपर से देखो प्राइसिंग कितना कम है, 15,000 से भी कम, 14,749 रुपए। लेकिन एक कमी भी तो है ना यार। हाँ, पर वो कमी सबके लिए कमी नहीं है, कुछ लोगों के लिए कमी है और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है। तो चलो शुरू से देखते हैं इस फोन को। किस फोन को? अभी तक तो समझ ही गए होगे कि आज बात करेंगे मोटोरोला G72 के बारे में। देखो भाई, कभी भी आप फोन लेते हो तो पहले एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते तक उसका डिजाइन आपको अच्छा लगता है। बाकी साल दो साल जब आप उसे रखोगे तो दिन भर आप उसके डिस्प्ले से ही इंटरेक्ट कर रहे होगे ना। तो सबसे पहले डिस्प्ले देखते हैं। तो भाई, आप एक 15,000 के फोन के डिस्प्ले से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक फुल HD डिस्प्ले हो, 120Hz का रिफ्रेश रेट हो, AMOLED हो, और कुछ कर सकते हो? हाँ चलो, 8 की जगह 10-bit पैनल हो, थोड़ा कलर वलर अच्छा दिखेगा। भाई सब कुछ है इसमें। 6.55 इंच का फुल HD प्लस POLED 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 10-bit डिस्प्ले। जिन्हें POLED के बारे में नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो बस ऐसे समझो कि AMOLED पैनल है और बेजल्स बहुत ज्यादा पतला है। बाकी डिटेल में इसके बारे में जानना है तो काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube पे। अब मैं यहाँ बैठ के डिटेल में इसका एस्पेक्ट्स तो नहीं बताऊंगा तुम्हें, मैं बस ये बताऊंगा कि ये फोन अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और बुरा है तो क्यों बुरा है, और किन यूजर को लेना चाहिए, किन को कोई और फोन देखना चाहिए। तो भाई इसका डिस्प्ले देख लो, एकदम टॉप नॉच डिस्प्ले है। इसका बैटरी देख लो, बहुत सही है, 5000mAh बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग। तुम कुछ भी देख लो, इस फोन का सब कुछ नेक्स्ट लेवल लगेगा, सिवाय एक चीज के, जो कि है प्रोसेसर। अच्छा, उससे पहले थोड़ा कैमरे पे भी नजर डालते हैं। एक तो 108MP दे दिया जाता है, लेकिन 8 और 2 क्यों दिया जाता है आई डोंट नो। 108 की जगह उसको 64 रहने दें, और वाइड एंगल कैमरा का भी मेगापिक्सल थोड़ा बढ़ा दें या फिर क्वालिटी इंप्रूव कर दें तो लोग उसे भी यूज करेंगे, वो यूजलेसली फोन में पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन कोई नहीं, फ्रंट कैमरा भी ठीक है 16 मेगापिक्सल। ओवरऑल फोन का डिजाइन देखो, बहुत ज्यादा मस्त है। प्रोसेसर पे मैं इसके बाद आऊंगा, लेकिन एक तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जिनको 5G यूज करना है, जिनको 5G फोन लेना है, वो ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 4G है, सिंपल है। तो जिन्हें नहीं लेना है वो मत लो, छोड़ दो वीडियो, अभी फाइनल हो गया आपका। लेकिन जिन्हें 4G से भी काम चल जाएगा फिर भी, उनके लिए भी ये फोन उतना सही नहीं है अगर वो थोड़ा भी गेमिंग करना पसंद करते हैं। गेमिंग से मतलब ये नहीं है कि कैंडी क्रश या कोई भी छोटा मोटा गेम चलाने को, तो ये हैवी गेम भी चलाएगा, बट डेफिनेटली इस प्राइस में इससे बेटर गेमिंग कराने वाले फोन अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हो। जैसे कोई भी स्नैपड्रैगन 695 वाला फोन, या फिर आजकल रियलमी 9SE शायद जो भी नाम है उसका, उसमें स्नैपड्रैगन 778G मिल रहा है 15,000 में, तो तुम उसे कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हें गेमिंग डिवाइस लेना है तो। वैसे G99 भी कम कैपेबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी नार्जो 20 प्रो का यूजर हूं और मैं मीडियाटेक हेलियो G95 यूज कर रहा हूं, और भाई ये बहुत सही है। एक इसमें बड़ा दिक्कत है कि हीट बहुत करता है, क्योंकि ये 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, लेकिन G99 तो 6 नैनोमीटर का है, सोचो उसमें हीटिंग का भी इशू नहीं आएगा। वैसे इस फोन के AnTuTu स्कोर की बात करें तो 3.5 से 4 लाख के बीच में आता है, मतलब अच्छा है डिवाइस, बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। अगर आप एकदम प्रो गेमर नहीं हो तो कैजुअल गेमिंग कभी बार करते हो तो बहुत अच्छे से हैंडल करेगा ये। चार्जिंग, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, डिजाइन सब कुछ मस्त है। और एक मोटोरोला का जो जी सीरीज में है, ये बड़ा प्रीमियम चीज हमको लगता है कि ये POLED डिस्प्ले यूज करते हैं, जिससे बेजल्स बहुत कम जाता है, तो ये बड़ा प्रीमियम लगता है फोन देखने में। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, इसमें भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब काफी प्रीमियम लगेगा फोन देखने में, मतलब सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, और वो भी एकदम OMG प्राइसिंग पे 14,749 रुपए, मतलब भाई सही है प्राइसिंग बहुत। वैसे ही इंट्रोडक्टरी प्राइस, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, और जो नॉर्मल प्राइस है इसका 19,000, वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा है, थोड़ा नहीं सच पूछो तो ज्यादा ही लगा है, क्योंकि 19,000 में G99 बिल्कुल भी सूट नहीं खा रहा है, चाहे आप कितना भी एक्स्ट्रा चीज बढ़ा दो उसमें। वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, ये जो 14,749 रुपए का प्राइस आया है, ये कार्ड वार्ड लगाने के बाद आया, और जो एक्सचेंज करेंगे उनके लिए ही है सिर्फ, क्योंकि 3000 का एक्सचेंज बोनस है इसमें। तो भाई हम फाइनल बात बताएं, तो जिनको भी 5G नहीं चाहिए और कैजुअल गेमर है, मतलब बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, कभी कभार ही खेलते हैं, और कभी कभार हैवी गेमिंग भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छा फोन है। और आई डोंट थिंक 15,000 में कुछ इससे बहुत अच्छा चीज मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी जस्ट 2-3 दिन पहले पोको X4 प्रो 5G देखा हूं, न्यू मस्त। सबसे पहला डर तो उसमें ये लगता है कि भाई वो डेड ना हो जाए 6 महीने बाद। दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये भाई फ्रेम ड्रॉप्स, MIUI भयानक फ्रेम ड्रॉप करता है, और इसमें है स्टॉक एंड्रॉइड, तो टोटली रिकमेंडेड अगर आपको 5G नहीं चाहिए तो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी।